बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको बता दूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपने सीखो कमाओ योजना के लिए आवेदन किया है। आज मैं इसमें बताने वाला हूं कि आपके बहुत सारे डाउट हैं कि मैंने आवेदन तो कर दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा चयन हुआ है या नहीं, क्या मेरे पास मैसेज आएगा, क्या मेरे पास ईमेल आ गया, मेरे व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, सिलेक्शन हो भी गया तो किस कंपनी में मैं जाऊंगा, कहां पर जाऊंगा, कैसे काम करूंगा, ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से देने वाला हूं। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए, चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की। तो हम आ चुके हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर दोस्तों आज आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ऊपर एक पट्टी चल रही है जहाँ पर आपको देखने को मिल रहेगी कि अभ्यर्थियों के लिए प्रतिष्ठान, यहाँ पर जो ऊपर पट्टी चल रही है उसमें लिखा है अभ्यर्थियों के लिए प्रतिष्ठान द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित रिक्तियों में अपने लॉगिन पर जाकर आवेदन करने की व्यवस्था 25/7/2023 के बाद उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, उससे 25/7/2023 पे उपलब्ध हो जाएगी जिससे अभ्यर्थी अपने अभिरुचि के अनुसार आवेदन कर सकेंगे तथा प्रतिष्ठान के द्वारा आवेदन स्वीकार करने का अनुबंध आपका अनुबंध आपके लॉगिन आईडी में ही उपलब्ध हो जाएगा। मतलब कि 25/7/2023 से उपलब्ध आप अपने रुचि के अनुसार जो आपने ठीक है आपने आवेदन तो कर दिया पर 25/7 से एक और आपके लॉगिन आईडी में एक और ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको अपनी रुचि के अनुसार अप्लाई करना है। और अगर कंपनी मान लीजिए जैसे कि मैंने किसी कंपनी में अप्लाई किया, ठीक है, तो वो कंपनी के पास जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उस कंपनी में तो उन सभी का जो आवेदन है वो कंपनी पास जाएगा। ठीक है, कंपनी जिसे स्वीकार करेगी मतलब जिस आवेदन को रखना चाहेगी तो उसकी लॉगिन आईडी पर एक अनुबंध भेजेगी। ठीक है, तो जो कि 25/7/2023 के बाद आपकी आईडी पर अनुबंध हो आएंगे। ठीक है, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है जैसे ही अनुबंध आएंगे आप अगर उसे स्वीकार करते हैं तो आप उस कंपनी में फिर काम करने के लिए आगे की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो मेन बात यही है कि 25/7/2023 के बाद अनुबंध आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने जिस जिस कंपनी के लिए आवेदन किए थे उनका अनुबंध आपको जिस कंपनी में आपने लगभग 8 से 10 आवेदन किए होंगे, ठीक है, कंपनी के लिए ऐड करे होंगे कंपनी, तो जिस कंपनी आपको जाना है अगर उसका अनुबंध आता है मतलब 5 से 6 अगर अनुबंध आते हैं तो आप उसमें से एक कौन सा भी अनुबंध को सिलेक्ट कर लीजिए और उस कंपनी में फिर आप जाने के आगे की प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे। तो यही जो अपडेट था वो यही था कि आपके पास अनुबंध आना स्टार्ट हो जाएंगे 25/7/2023 से। जैसे कोई अपडेट इसके बारे में आती है हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। ठीक है, बगैर कोई जानकारी के पहले आप कोई भी अनुबंध को स्वीकार मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें उससे रिलेटेड जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।